टीवी की मशहूर अभिनेत्री सुरभि ज्योति का आज 32वां जन्मदिन है और उनके आज इस खास दिन पर उनकी जिंदगी और करियर से जुड़ी कुछ अहम बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सुरभि का जन्म 29 मई 1978 को पंजाब के जलंधर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पंजाब के ही स्कूल से की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं सुरभि ने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से नहीं बल्कि पंजाब में एक रेडियो जॉकी से की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, सुरभि पहले एक रेडियो जॉकी रह चुकी है, लेकिन एक्टिंग फील्ड में कदम रखने से पहले सुरभि अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी बेहतर करने के लिए रीजनल थिएटर में काम किया करती थी। सुरभि ने अब तक कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है, लेकिन छोटे पर्दे पर जलवा बिखेरने से पहले से वह कई पंजाबी फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुकी है, जैसे रोला पै गया, मुंडे पटियाला दे जैसी फिल्में और अखियां तो दूर जाए ना और कश्ती वंगर जैसे सीरियल्स में काम किया है। लेकिन टीवी जगत में उन्हें असली सफलता जी टीवी के शो कबूल है में जोया के किरदार से मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने कई सीरियल्स जैसे तन्हाइयां और कोई लौट के आया जैसे शो में भी काम किया था। कई हिट सीरियल्स देने के बाद सुरभि एक बार फिर से 2018 में सुर्खियों में आई। 2018 में बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से सुरभि को मोस्ट पॉपुलर शो नागिन सीजन 3 में लीड रोल का ऑफर आया, जिसके बाद सीरियल में बेला का किरदार निभाकर उन्होंने फैंस को बता दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही सुरभि एक वीडियो एल्बम में नजर आई थी जिसमें उनके अपोजिट अली फजल थे। सॉन्ग का नाम आज भी था। वहीं अगर हम सुरभि के वर्क फ्रंट की बात करें तो खबरें ये सामने आ रही है कि वह बहुत जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती है। तब देखना ये होगा कि कब तक सुरभि भी बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखती है। लेकिन आज उनके इस खास दिन पर NDTV एंटरटेनमेंट की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही छोटे पर्दे और बड़े पर्दों की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल NDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।